Hey, what's up guys, welcome to Channel Mine and You. और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पिछली वीडियो में हम इस पूरे महीने सेटअप करेंगे अबाउट आवर गोल्स, हमारे गोल्स के बारे में कि हमें कैसे अपने गोल्स अचीव करने हैं एंड अबाउट व्हाट इज वी आर गोना डू इन 2020 2020 में हमें क्या करना है और क्या अचीव करना है, इस बारे में हम बात करने वाले थे. तो उस इस सीरीज में पिछली बार जब वीडियो एंड हुई थी मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे दैट इन 2020 व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं एंड व्हाई, आप क्यों करना चाहते हो. और आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को आगे ले जाएंगे और देखेंगे कैसे हमें अपने 2020 को सक्सेसफुल बनाने के लिए गोल सेट करने हैं. सो आई एम अंकित रॉय, वेलकम टू चैनल माइन एंड यू, लेट्स गो. इससे पहले कि मैं आपको एक्चुअल स्टेप में ले जाऊं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बातें आपसे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहली चीज़ ये कि गोल सेटिंग इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में गोल सेटिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे हमें कहीं नहीं सिखाया जाता है. यानी कि ना हमारे स्कूल्स में हमें सिखाया गया कि हाउ टू सेट योर गोल्स एंड हाउ टू सेट देम प्रॉपरली, कि आप उन्हें ऐसे कैसे सेट करेंगे एक्चुअल में आप उन्हें अचीव करेंगे. हाउ टू टारगेट योर गोल्स, आपको कौन से गोल्स सेट करने हैं, आखिर कौन से टारगेट्स आपको अचीव करने हैं, ये हमें स्कूल्स में नहीं सिखाया गया. प्लस ना ही हमारे पेरेंट्स वेल बेसिकली इस बात पे कोई ध्यान देते हैं. हो सकता है आप जब पेरेंट्स बने तो आप अपने बच्चों को सिखाएं, लेकिन अभी तो वेल बेसिकली कोई नहीं है जो इन चीज़ों को सिखाता है कि आपको एक्चुअल में अपने गोल्स को जो है सेट करना है. अगर आप चाहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, आप चाहते हैं कुछ जैसे मेक मनी या फिर सम ब्रांडिंग और एनीथिंग एल्स, लेकिन हाउ इज़ यू आर गोना सेट योर गोल्स, आप अपनी गोल्स कैसे सेट करेंगे कि आप उन्हें एक्चुअल में अचीव करें, वो कौन सी प्रोसेस है, वो कौन से स्टेप्स हैं, ये हमें कोई नहीं सिखाता है. और ये बहुत ही अजीब सी चीज़ मुझे लगती है कि ना हमारे टीचर्स ने सिखाई, ना हमारे पेरेंट्स ने सिखाई, और ना ही हम अपने दोस्तों से इस बारे में भी बात करते हैं. लेकिन आज से हम ये चीज़ें चेंज करने वाले हैं. तो हम एक दूसरे से बात करेंगे, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपने गोल्स के बारे में कि कैसे हम इन गोल्स को अचीव करेंगे इन 2020, हम कैसे और ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे. तो गाइस, सेकंड थिंग जो मैं आपको अपने उस गोल सेटिंग के वर्क की ओर ले जाने से पहले बताना चाहता हूँ इज़ Your past does not equal to your future. कि आपसे पहले जो भी हुआ है, हो सकता है आपने कोई गोल सेट किया हो लेकिन आप उसे अचीव नहीं कर पाए हो, या फिर आपने कभी गोल ही सेट नहीं किया हो, आपको इस चीज़ में इस मामले में कुछ नहीं आता है, तो that does not mean कि आप उसे future में successfully नहीं कर पाएंगे. सिर्फ इस बात पे ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि डू यू रियली केयर, कि आप सच में उस चीज़ को पाना चाहते हैं. और इसलिए मैंने ये दो चीज़ें आपसे पूछी थी कि what and why, आप क्या पाना चाहते हैं और आप क्यों पाना चाहते हैं. फॉर मी दिस इज माई वर्ड. सो मैं क्या करना चाहता हूँ 2020 में, मैं 2020 में अपने इस चैनल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ, अपनी फाइनेंशियल इनकम को, अपनी जो वेल्थ जनरेशन प्रोसेस है उसे बेहतरीन बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं और बेहतरीन नेक्स्ट लेवल की अर्निंग कर सकूँ, एंड टू सेल्फ डेवलपमेंट. और मुझे जो है खुद को बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, और ज़्यादा डेवलप करना है, मुझे सीखना है अबाउट साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी एंड ऑल दिस, लोगों के बारे में कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए, लोग अक्सर किस सिचुएशन पे कैसे डिसीजन लेते हैं, ये सब चीज़, ताकि मैं लोगों को और बेहतर तरीके से जान सकूं. ये सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूं ना, दिस इज़ माय व्हाट एंड व्हाई. सेकंड सवाल होता है कि व्हाई, आखिर आप ये सब क्यों करना चाहते हैं. इसके पीछे मेरा सिंपल सा रीज़न है, आई वॉन्ट टू हैव द फ्रीडम. इट्स रियली, आप सभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेसिकली मैं इन तीन में से एक चीज़ बता सकता हूँ. नंबर वन, यू वॉन्ट टू डेवलप योर पर्सनल सेल्फ, आप खुद को अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनमें से नहीं हैं जो 10 to 5 जॉब करेगा एंड देन स्पेंड योर होल लाइफ लाइक वॉट. आप वो कुछ खास लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर अचीव करना चाहते हैं, यानी कि आप सबकी तरह नहीं बनना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर अचीव करूं एंड आई वांट टू डू समथिंग मोर देन वट एवर एवरी वन एल्स इज डूइंग. बाकी सारे लोग जो हैं बेसिकली एक ही काम में लगे रहते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल वेल जो कहते हैं ना, हमारे स्कूल्स जो हैं वर्कर बनाने की फैक्ट्री हो गई, कि वो बता दें ये डिग्री कर लो एंड देन यू कैन हैव दिस जॉब, ये चीज़ पढ़ लो एंड यू कैन हैव दिस जॉब, ये चीज़ कर लो यू कैन हैव द, बट इट्स नॉट वट वी वॉन्ट. चीज़ें हम वो नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं, चीज़ें हम वो कर रहे हैं जो हमारे, हो सकता है पेरेंट्स चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं हम सोसाइटी को दिखाएं कि हम ये करना चाहते हैं. वेल 90% लोग दिखावे के लिए चीज़ें करते हैं. तो गाइज, आप उनमें से नहीं हैं ये बात मैं जानता हूँ, और इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं. तो वट इज़ योर वाई,
माई वाई इज़ आई वॉन्ट टू लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझसे कहे कि आज तुमने यहाँ जाना है या वहाँ जाना है या ये काम करना है या वो काम करना है. मैं अपने हिसाब से काम करना चाहूँगा. मैं जब चाहूँ ये चीज़ पोस्ट करूँ, मैं जब चाहूँ ये चीज़ करूँ, वो चीज़ करूँ. वेल इट्स ऑलमोस्ट माई लाइफ, मतलब मेरी लाइफ है. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आए और मुझे ऑर्डर दे या मुझे 10 to 5 कहीं जाना पड़े या फिर ऐसी सारी चीज़ें करनी पड़े एंड ऑल दिस. लाइक आई वॉन्ट टू बी हैप्पी लिविंग माई लाइफ. दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट एंड दिस इज़ माई वाई, द फ्रीडम. सो वट इज़ योर वट एंड वट इज़ योर वाई. मुझे उम्मीद है कि आपने इस पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ें सोचने के लिए और आपने सोच ली होंगी. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ उस रफ वर्क की ओर जो मैंने अभी वेल सेटअप किया है. मैंने एक जर्नल ऑर्डर की है वेल बेसिकली अमेजोन से, ताकि मैं उसमें अपने आने वाले साल के गोल्स सेट कर सकूँ. फ्रॉम 2020 2020 से मैं एक जर्नल भी रखने वाला हूँ, ताकि अपने सारे वेल मंथली डेटा मैं ट्रैक कर सकूँ कि कब मैंने क्या चीज़ अचीव की, कब मैंने क्या चीज़ नहीं की. उस बारे में बात हम अगली वीडियो में करेंगे, जब वो आ जाएगी तो मैं उसे आपको दिखाऊंगा भी. लेकिन अभी हम चलते हैं कि कैसे आपको वो गोल सेट करने हैं और कैसे उन्हें प्रॉपरली वर्किंग में लाना है. सो लेट्स गो. अब ये ट्राईपॉड का पाँव मुझे बहुत परेशान कर रहा है बेसिकली, तो अब मैं इसे हैंड होल्ड करके ही दिखाता हूँ आपको गाइस. आई डोंट थिंक दिस इज गोना वर्क. वेट लेट मी ट्राई. ओके, दिस इज काइंड ऑफ थिंग. होप यू कैन सी, दिस इज गोल सेटिंग. ये वेल बेसिकली एक रफ वर्कआउट है जो मैं कर रहा था. तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने आपसे कहा था, व्हाट एंड व्हाई, कि आप क्या करना चाहते हैं एंड क्यों करना चाहते हैं. नाउ टू थिंग्स आपको वेल बेसिकली इस हफ्ते जो आप सेटअप करेंगे उसमें आपको दो चीज़ें सोचने की ज़रूरत है. नंबर एक इज़ योर गोल्स, व्हाट आर योर गोल्स, एंड सेकेंड इज़ हाउ, हाउ इज़ यू आर एक्चुअली गोना अचीव दैम. आप उनको वेल कैसे अचीव करेंगे इस बारे में आपको सोचना है. तो सेकेंड थिंग इज़ ऑलमोस्ट लाइक द सेम. हम वेल बेसिकली किसी से भी बातें नहीं करते. तो ये मैंने रफ सेक्शन वेल बेसिकली यहाँ पर लिया है. ये मैं लिख रहा था, सोच रहा था कि वेल दिस इज़ एक्चुअली राइट, जो मैंने अभी आपसे वीडियो में कहा कि हम इस बारे में किसी से भी बातें नहीं करते, ना स्कूल में, ना घर में, ना अपने दोस्तों से इस केसेस में कुछ कहते हैं. तो रफ सेक्शन नंबर वन इज़ गोल एंड सेकेंड इज़ हाउ. योर पास्ट डज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर. मुझे वेल बेसिकली जो भी इंस्पायरिंग लाइन आती वेल याद आती है, मैंने कहीं वीडियोज़ में देखी होगी या फिर कहीं से पढ़ी होगी या जो भी किया होगा, वेल उसे मैं लिख देता हूँ. ये मेरी पुरानी आदत है. तो ये मैंने अपने गोल्स जो है इन्हें मैंने सेट किया है. नेक्स्ट वीक मेरी जर्नल आ जाएगी, उसे मैं आपको दिखाऊंगा. तो उसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके से दिखाऊंगा कि एक्चुअल में आपको अपने गोल्स कैसे लिखने हैं. ये मैंने एक रफ वर्क आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से आप गोल सेट कर सकते हो. आपके गोल मेरे गोल से कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए आपके गोल सेट करने का स्टाइल भी अलग हो सकता है. तो गाइज दिस इज़ जस्ट अ मॉडल कि आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ सामने आ सकते हैं. तो नंबर वन इज़ पर्सनल डेवलपमेंट और वी कैन कॉल इट सेल्फ डेवलपमेंट. पर्सनल डेवलपमेंट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे वेल इस साल मैंने अपने लिए 4 गोल सेट किए हैं. नंबर वन पर्सनल डेवलपमेंट, मैं खुद का व्यक्तित्व का विकास करना चाहूँगा. उसमें मैं अलग अलग चीज़ें वो अभी आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ. सेकंड इज़ वेल्थ जनरेशन, कैसे मैं और ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकूँ ताकि आई कैन लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म. थर्ड इज़ ब्रांडिंग. ब्रांडिंग मीन्स दिस चैनल, माई इंस्टाग्राम अकाउंट, वाइन एंड यू का इंस्टाग्राम अकाउंट और ये सारी चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें मुझे सोशल मीडिया पर एक्सप्लोर करेंगी और अलग बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगी, दैट इज़ द ब्रांडिंग वर्क. एंड हेल्थ इज़ फोर्थ सेक्शन, जहां पर मैं इस साल फोकस करूंगा. वो अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूं सारी चीज़ें. तो द मेन थिंग, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगी, डेडलाइन आर द इंश्योरेंस टू मेक श्योर यू डिड इट. गाइज एक मैंने टास्क अपने लिए सेट किया था लगभग आज से 6 months पहले, 6 महीने पहले. एंड फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए गोल इज़ वॉज अबाउट 100%. मैं थोड़ा उधर जाके आपको दिखाता हूँ क्योंकि चलो छोड़ो. गोल वॉज 100% और क्या आपको पता है, मैंने पहले लाइक 6 months का मेरे पास टास्क था और पहले 4 months में मैंने कितना अचीव किया था, इट वॉज 10%. सिर्फ 10% काम मैंने किया था अपने उस गोल के ऊपर जो कि मुझे 6 महीने में पूरा करना था. टेक्निकली 4 महीने में गोल कम से कम 80% पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन बाकी के जो 2 months थे उन 2 months में मैंने डेली अपने इस गोल को टारगेट किया और डेडलाइन से 10 days पहले मैंने अपने गोल को फिनिश कर दिया था. तो वहाँ पर से ये चीज़ तब उस दिन से ये चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही है कि डेडलाइन आर द इंश्योरेंस टू मेक श्योर यू डिड इट. वेल बेसिकली आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि
आपको डेडलाइन चाहिए या नहीं चाहिए, आप एक्चुअली वेल बेसिकली आप, हो सकता है आप रेगुलरली काम करते हो, आपको आदत है अपने गोल्स को अचीव करने की, लेकिन मेरी नहीं है गाइस, कम ऑन। तो जब मैं डेडलाइन सेट करता हूँ और वेल डेडलाइन पास आती है तो मैं उस गोल की ओर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता हूँ, और इसीलिए मैं अपने गोल्स पे 100% सभी गोलों पे डेडलाइन सेट करने वाला हूँ, ताकि मेकिंग श्योर कि मैं इन्हें अचीव कर सकूँ। तो अब मैं फिर से ट्राईपॉड को एडजस्ट करूँगा, आपको सेकेंड पेज दिखाऊंगा, सो होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो मैं जो अपने साल को बांटना पसंद करता हूँ, इट इज़ मोर लाइकली फोर पार्ट। मेरे साल के वेल बेसिकली फोर पार्ट होते हैं, हो सकता है आप सभी के हों। जनवरी फरवरी मार्च इज़ पार्ट वन, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये चार के चार पार्ट हैं। और इट्स लाइक ये चीज़ मैंने टाइलो पेज से सीखी थी कि लाइफ इज़ मोर लाइक फोर पार्ट ऑफ अ ईयर, किसी प्रोग्राम पे आई थिंक मैंने ये चीज़ उसके किसी प्रोग्राम पे ये चीज़ मैंने सीखी थी। सॉरी, फोर ईयर आई मीन वन ईयर, दैट्स फोर पार्ट। इट वॉज लाइक नेचर, कि नेचर वर्क लाइक दिस, कोल्ड विंड, सॉरी विंटर एंड कोल्ड आर द सेम। सो विंटर, स्प्रिंग, अब बाकी दो क्या होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी होते हैं मतलब आप समझ गए होंगे, दो आप लिख सकते हैं जो भी हो रहा है, विंटर स्प्रिंग, मतलब बेसिकली कहने की कोशिश ये थी कि नेचर ड्यूरिंग कोल्ड, जो कि विंटर टाइम है, ड्यूरिंग विंटर टाइम एवरी थिंग इज स्टिल, एंड दिस इज़ द टाइम वेन यू स्टडी, वेन यू एनालाइज, एंड वेन यू मेक योर स्ट्रेटजीज। तो इस टाइम पे कुछ भी चीज़ें मोशन में नहीं होती हैं, एवरी थिंग इज स्टिल। लाइक हमारे यहाँ तो बर्फ़ पड़ जाती है, तो ऑलमोस्ट एवरी थिंग लाइज फ्रीज, तो नथिंग ग्रो, कुछ भी दुनिया में मूव नहीं करता है इस दौरान, जहाँ जहाँ पर भी विंटर सीजन एक्टिवेट होता है। तो इसीलिए यू शुड वर्क विद नेचर एंड नॉट अगेंस्ट नेचर, ये चीज़ उसमें कही थी कि यू शुड वर्क विद नेचर एंड नॉट अगेंस्ट। यानी कि अब फॉर एग्जांपल आप सोचिए, अगर आप ड्यूरिंग कोल्ड ट्राइंग टू वर्क हार्ड आप बाहर जाएंगे, बेसिकली नेचर ऐसा है कि आपको बेसिकली हार्ड वर्क नहीं करने देगा, तो रेदर देन उतना टाइम आप टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जगह आप अंदर रह के कुछ स्टडी कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ नई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जिसमें कि आपको बाहर जाके एक्चुअली मेहनत नहीं करनी है, आप अपने अंदर ही, हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो आप अपने बेड पे आराम से छुप के अपना काम कर सकते हैं, तो दिस काइंड ऑफ थिंग। सेकेंड वॉज लाइक वट एवर द नेचर, मतलब कि कहने का मतलब ये था कि उसमें अपने आसपास के जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से काम करो। इट वॉज स्प्रिंग एंड जो भी था कि उन दो टाइम में दो, इसे आई एम गोना गूगल इट, वेट लेट मी गूगल इट, द आंसर इट्स स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर। तो ये चीज़ थी तो कहा यह क्या था कि ड्यूरिंग विंटर यू प्लान एंड यू मेक स्ट्रेटेजी एंड ऑल दिस, एंड देन देयर कम्स व्हाट स्प्रिंग, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने उसमें आने लग जाती हैं, धीरे धीरे चीज़ें मूव होने लग जाती हैं, यहाँ पर आप अपने प्लान्स को इनिशिएट करते हो, एक्शन लेते हो सारे, एंड देन अगेन समर इज़ मोर लाइक द सेम, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्शन का टाइम होता है ये दो सीजन में, स्प्रिंग एंड समर, एंड देन यू गेट अ फॉल, और पेड़ों से पत्तियाँ गिर जाती हैं, कहने का मतलब है यहाँ पर आप रिजल्ट जनरेट करते हो। तो ये चार बेसिकली चीज़ें थी, और इसी में को हिसाब से मैं बेसिकली काम करना पसंद करता हूँ, ये एनालॉजी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो पहले जो तीन पार्ट है, जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर मैं स्टडी, एनालाइज, एडजस्ट द स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें करता हूँ ताकि मैं बेहतर रिजल्ट जनरेट कर सकूं। सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन में एक्शन एक्शन एक्शन, एंड फोर्थ सेक्शन में मैं उन सारे एक्शन का रिजल्ट निकालता हूं, समरी निकालता हूं, कुछ नए रूल्स, नई डिस्कवरीज मुझे मिलती हैं कि कैसे किस हिस्से में काम करना चाहिए, किस हिस्से में कैसे काम नहीं करना चाहिए, एंड ऑल दिस स्टफ। तो जब बात आती है गोल्स की, ये सारे गोल्स नहीं है गाइज, मैं अभी बस बेसिकली रफ वर्क मैंने शुरू किया था और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना ली जाए। तो दिस इज फर्स्ट पर्सनल डेवलपमेंट, रीड 50 बुक्स। मैंने फिर से कहीं ऐड पे सुना था कि एवरेज सीईओ रीड 50 बुक्स अ डे, मेंटर बॉक्स का ऐड, हो सकता है आपने भी देखा हो। तो गाइस, इफ एन एवरेज सीईओ कैन रीड 50 बुक्स अ डे, वी कैन ऑल्सो। तो मैंने डिसाइड किया है कि आई विल रीड 50 बुक्स दिस ईयर, सॉरी 50 बुक्स अ डे नहीं, अ ईयर। तो मैंने डिसाइड किया है आई विल रीड 50 बुक्स अ ईयर। तो अब ये 50 बुकें किस बारे में होंगी, ये आप देखोगे नेक्स्ट वीक। सम होंगी इस कुछ होंगी इनमें से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुछ होंगी अबाउट बिजनेस, कुछ अबाउट साइकोलॉजी, या फिर कुछ
जो भी मुझे पसंद आएगी। तो इन 50 बुक्स को मैं अभी नेक्स्ट वीक में मैं वेल बेसिकली ये सारी प्लान आउट करूँगा कि कैसे मुझे क्या चीज़ करना है। तो वही चीज़ आप भी करिए, वेल बेसिकली आप अपने हिसाब से गोल सेट करिए और हर एक चीज़ की डिटेल निकाल लीजिए कि कब आपको कौन सी चीज़ करनी है। लर्निंग न्यू स्किल्स, कुछ नए स्किल्स में सीखने, जैसे कि हिप्नोटिज्म इज़ वन आई एम लर्निंग राइट नाउ, और ऐसे ही बहुत सारे स्किल्स मैं कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। एंड बाइंग अ कोर्स, ये बात की बात है, ये हम करेंगे आधे साल बाद। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई हम पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो भी होगा, वेल बेसिकली उससे रिलेटेड हम कोई कोर्स को बाई करेंगे और उसे अपनी लाइफ में उतारेंगे और देखेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो नेक्स्ट। ओके आई एम नॉट गोना कट एनीथिंग। दिस इज सेकेंड इज़ वेल्थ जनरेशन। वेल्थ जनरेशन में मैं कुछ ये चीज़ें सोच रहा हूँ करने की। एफबीएड्स को मैं पूरा डिटेल में समझूंगा और कि कैसे ये चीज़ काम करती हैं, कैसे क्या किया जाए। सेकेंड इज़ मार्केटिंग मेथड्स, कि कैसे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की जाए, कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी चीज़ें मुझे पता हैं, उसे सभी लोगों तक पहुँचाया जाए। थर्ड इज़ ई बुक, मे बी हो सकता है मैं एक ई बुक लॉन्च करूँ आधे साल में, हो भी सकता है, नहीं भी, ये मैंने कन्फर्म प्लान कुछ नहीं है, लेकिन वेल बेसिकली आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए मैंने ये लिख रखा है। तो इस वीक मैं अपने सारे गोल्स फिक्स कर लूँगा और नेक्स्ट वीक आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में मैं क्या करने वाला हूँ। उसके बाद फोर्थ फाइव जो भी होंगे, वेल वो मैं बाद में ऐड कर लेंगे। तो ब्रांडिंग, ब्रांडिंग इज़ वेयर इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों तक और आपकी जैसे सोच वाले लोगों तक, यानी कि हमारी जैसी सोच वाले लोगों तक हम कैसे पहुँचें। यूट्यूब पोस्टिंग वीडियोज़ मेथड्स एंड न्यू सीरीज। तो वेल बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डे हर वीक एक या दो वीडियोस मैं पोस्ट कर सकूँ एंड सब कुछ नई मेथड्स का, वेल बेसिकली मैं टेस्ट आउट करूँगा। जैसे कि ये आप अभी देख रहे हो, ये भी एक मेथड है, थोड़ा पर्सनलाइजेशन मुझे इसमें लगता है। बिहाइंड ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन मुझे उतना वेल बेसिकली पर्सनल टच नहीं लगता है इसमें, मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पर्सनल टच लगता है। ये एक नई मेथड होगी एंड कुछ नई सीरीज अबाउट, हो सकता है हमारी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में या फिर सेल्फ हेल्प या फिर डेवलपमेंट, जिस बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड इज़ इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम पर वेल बेसिकली माइन एंड यू, ये जो चैनल आप देख रहे हो इसका एक इंस्टाग्राम पेज है, आपको मैं स्क्रीन पर लिंक करके दिखा देता हूँ। इस पेज को हम और ज़्यादा ग्रो कराएंगे एंड मेरा पर्सनल, वेल बेसिकली मेरी एक सेकेंड हॉबी है फोटोग्राफी। तो मैं जो अपने पर्सनल अकाउंट पर पोस्ट करता हूँ इस फोटोग्राफ्स की, अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग वेल बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ तो नहीं कहूँगा, वेल बेसिकली नेचर फोटोग्राफी जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उससे रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता हूँ। इन दोनों को मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों तक, मतलब कहने का मतलब है इन शॉर्ट बहुत सारे फॉलोअर गेन करना चाहता हूँ। लिंकडिन, दिस वन इज़ लाइक केम फ्रॉम गैरी वी, कि अभी लिंकडिन पे जो है अगर आप पोस्ट करते हैं तो इट इज़ लाइक फेसबुक 2012, यू विल रीच एवरी सिंगल पर्सन। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं, यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें एंड सेल्फ हेल्प और ये सारी चीज़ें पोस्ट करना शुरू करूँगा। ब्लॉगिंग, मैंने एक वेबसाइट जनरल बनाने की सोच रहा हूँ जिस पे मैं ब्लॉगिंग करूँगा और जिन टॉपिक्स पे वेल बेसिकली मैं वीडियो बनाता हूँ उन्हीं टॉपिक्स पे मैं लिखना भी शुरू करूँगा। पॉडकास्टिंग इज़ लाइक ऑडियो कंटेंट, ये चीज़ें जो सब आप देख रहे हो इज़ ऑन ऑडियो, ताकि जब आपके पास देखने का टाइम ना हो, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइजिंग, डूइंग दिस एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो आप ये कर सकें। एंड दिस इज़ माई ब्रांडिंग स्टफ। हेल्थ लास्ट बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टफ, हेल्थ। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने फिर से लिखा है योर पास्ट डज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने जो भी हेल्थ रिलेटेड गोल सेट किए एक भी अचीव नहीं किया। नंबर वन इज़ एक्सरसाइज, जिसे मैं हर साल लिखता हूँ लेकिन कभी भी अचीव नहीं करता हूँ, तो इस साल कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थी हैबिट्स मुझे आधी मैंने अडोप्ट की हैं लेकिन आधी अभी भी अडोप्ट करनी है। फूड, हेल्थी फूड, एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा वेल बेसिकली बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन जंक फूड खाने की आदत बहुत ही ख़राब है मुझ में, तो मैं बेसिकली उन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहता हूँ और कुछ हेल्थी फूड्स को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, वो हैबिट जनरेट करना चाहता हूँ। एंड लास्ट, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, एक्चुअली आई गॉट सम इश्यूज़, मुझे थोड़े से स्किन इश्यूज़ हैं जिनको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए क्लीनिंग बॉडी टॉक्सिन, इनको मैंने वेल बेसिकली क्लीन करना है और ये इस साल का मेरा वेल बेसिकली आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल। मतलब इम्पोर्टेंट ये चार के चार हिस्से हैं मेरे लिए, लेकिन दिस
इज वेयर आई वॉन्ट टू डू, क्योंकि मेरी हेल्थ की वजह से बहुत ही ज़्यादा फर्क इन चीज़ों पर, इस चीज़ पर या फिर मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के स्टेट पर पड़ता है। क्योंकि जब जब मुझे हेल्थ इश्यूज होते हैं ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। एक्सरसाइज ऑफ कोर्स आई लाइक शेन वॉटसन इज माय फेवरेट प्लेयर, तो आई वांट टू बी लाइक हिम, दैट्स इट। तो गाइस ये वो मेरा पर्सनल एक रफ वर्क है जो मैंने आपको दिखाने के लिए वेल बेसिकली शो किया कि आप कैसे अपना गोल सेट कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए, और नेक्स्ट वीक मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में सेट हमने गोल कैसे करने हैं। हम लाइव करेंगे ये चीज़ की, लाइव कहने का मतलब है कि मैं आपको एक्चुअल में लाइव अपनी उसमें लिख के दिखाऊंगा। वेल बेसिकली हम यूट्यूब पर लाइव नहीं जाएंगे, तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि कैसे आपने कौन से गोल सेट करने हैं। तो दिस इज़ लाइक कि आप अपने सारे गोल तैयार रखो, ये सारे जो आपने हिस्से देखे लाइक पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड ऑल दिस, ये सारे गोल्स मैं इस वीक अपनी इसी बुक पे लिख दूंगा कि क्या करना है। एंड गाइज नेवर गो डायरेक्टली, अगर आप कोई जर्नल मंगा रहे हैं तो डायरेक्टली उस पर लिखना शुरू मत करिएगा, एक A4 साइज की शीट पर या ऐसे किसी रफ डायरी पर आप उन चीज़ों को लिख लीजिए। पहले हम क्लीनिंग, पहले हम वेल बेसिकली स्पेसिफाइड कर लेंगे कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं, और उसके बाद ही अपने जर्नल पर जाएंगे, और उसके बाद हर महीने हम ट्रेस करेंगे उस जर्नल बुक की हेल्प से कि हमने क्या अचीव किया क्या नहीं। आई होप यू लव दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अगर आपको और ज्यादा ऐसी वीडियोस चाहिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ऐसी और ज्यादा वीडियोस चाहिए, एक्चुअल लाइव वेल बेसिकली हार्ट टू हार्ट इसे मैं कह सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।